हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं आपको सिखाऊंगी छोटी किट। देखिए इस ऊन से ये वाली किट मैंने कैसे बनाई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद, और इसकी जिप भी देखिए कितनी आसानी से खुल जा रही है। देखिए आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान कुछ भी ऐसे कैरी कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही स्पेसफुल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप इसमें ऐसे अपने पैसे वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, इसे लास्ट तक देखना, तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो जिप वाला साइड है, ये ओपन वाला जहाँ से खुलती है वहाँ से हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसकी एक नोट बना लूँगी यहाँ पे। देखिए मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम बिना धागा चढ़ाए पहले इसकी एक चेन बना लेंगे। देखिए फिर से मैं लूंगी, देखिए देखिए फ्रेंड्स, बिना धागा चढ़ाए मैं इसका यहां तक इसको कंप्लीट कर लूंगी। देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इधर से मुड़ेंगे, ये जो बंद वाला साइड होता है जिप का। देखिए यहाँ पे मैं दो चेन बनाऊंगी, एक दो, और देखिए एक और चेन बनाएंगे, ये मैं तीन चेन बनाऊंगी, और इस वाले साइड आ जाएंगे हम इसको पलट के। देखिए और सेम ऐसे ही यहाँ बिना धागा चढ़ाए देखिए मैं इसको ऐसे टक कर लूँगी इसके साथ। देखिए ये ऐसे दिखेगा। फिर से ये मैं चेन कंप्लीट कर लूँगी। देखिए बिना धागा चढ़ाए हमें इसको ऐसे पूरी रो को कंप्लीट करना है। बस धागा निकालना है और उसको ऐसे टक कर देना है, और ये चेन ऐसे मैं कंप्लीट करके यहाँ तक आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब ये जिप वाला पार्ट हम थोड़ा सा ऐसे खोल देंगे, और यहाँ पे मैं तीन चेन बनाऊंगी, एक दो तीन, और इसको हम जो हमने ये फर्स्ट वाला पार्ट बनाया था, देखिए आप जिप बंद करके भी इसको ऐसे अटैच कर सकते हैं। हल्का सा खोलना पड़ेगा हमें जिप को यहाँ पे, और ये वाला जो हमारा पॉइंट है इससे हम इसको ऐसे अटैच कर देंगे। देखिए ये मैंने इस वाले धागे के साथ इसको अटैच कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम बिना धागा चढ़ाए देखिए एक चेन बना लेंगे, ठीक है, और फिर से देखिए इसके फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए मैं इसको लूँगी। ये थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे, क्योंकि ये हार्ड हुआ होता है, ये टाइट हाथ से करना होता है सारा। देखिए ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट वाले में ऐसे डालेंगे और ये चेन बनाएंगे, और ये जितनी भी मैंने चेन बनाई है उन सब में ऐसे डाल डाल के मैं एक चेन बना लूँगी बिना धागा चढ़ाए ऐसे, और मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अभी जो हमने ये वाले तीन चेन बनाई थी, अभी यहाँ पे मैं तीन क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए एक दो और ये तीन क्रोशिया, देख तीन क्रोशिया बना लिए। अब हम दूसरी लाइन पे आ गए हैं। दूसरी लाइन पे फिर से हम जैसे हमने पिछले साइड में उधर दूसरी तरफ बनाई थी ये वाली रो, ऐसे ही बिना धागा चढ़ाए मैं ये सारे कंप्लीट कर लूंगी। देखिए मैं ऐसे बिना धागा चढ़ाए सारी यहां तक रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पे मैं देखिए मैं ये सेफ्टी पिन लगा दूंगी यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे निशानी रहेगी कि हमें यहाँ से इसको हर बार दो बार बधाना है, और इस साइड भी मैं सेफ्टी पिन लगाऊंगी, यहाँ से भी हमें इसको हर बार में दो फंदे हम बधाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ऐसे करके ऊपर धागा चढ़ा के हम यहाँ पे दो बनाएंगे, दो चेन बनाएंगे, दो क्रोशिया, एक दो, ये हम हर बार बनाएंगे, और बाकी सारा हमारा ऐसे सिंपल रहेगा जैसे हमने कंप्लीट किया है पहले रो। बस इसमें हम धागा चढ़ाएंगे,
नीचे वाली रो में हमने धागा नहीं चढ़ाया था, और मैं ये रो आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगी और इसका भी ऐसे ही एक फंदा बना लेंगे। देखिए ये एक क्रोशिया मैंने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सारी रो में एक छोड़ के, देखिए जैसे यहाँ पे मैं डबल करूँगी, देखिए ये मैंने डबल कर दिया है, फिर हम ये सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे और उससे नेक्स्ट वाले में हम डबल कर देंगे। ये हमने छोड़ दिया और इसमें फिर से हम डबल कर देंगे, ऐसे एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में बिना धागा चढ़ाए, बिना चेन बनाए हम ऐसे ये पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं फिर से यहीं पे आ गई हूँ, इसको ऐसे निकालेंगे। देखिए ये मैंने अभी दो दो की रो कंप्लीट करी है, अभी मैं इनके ऊपर एक एक बनाऊंगी, फिर दो दो, फिर एक एक, ऐसे मैं इसको पूरे को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है, अभी हम ये जो कॉर्नर वाला है इसका, इसको हटा देंगे। देखिए यहीं से हमने शुरू किया था और यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे। अभी मैं इसको यहाँ से सिलाई कर दूंगी इसकी। देखिए मैं दो पार्ट लूंगी ये, और इसको ऐसे निकालेंगे और इसका एक कर देंगे। देखिए इसकी सिलाई करना बहुत आसान होता है, मैं क्रोशे से ही कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी सुई धागे से भी इसकी सिलाई कर सकते हैं। एक एक पार्ट लेना होता है दोनों तरफ से, देखिए, और बिल्कुल सामने वाले इसमें डाल के क्रोशिया बना देंगे। देखिए ये देखिए ऐसे ये सिल जाएगा, और मैं ये सारा सिल के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये लास्ट वाला आ गया है, इसको ऐसे निकाल देंगे और यहाँ से जो हमारा नई खुलने वाला धागा है, देखिए उसको ऐसे कट कर देंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे खींच के इसमें से अलग कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिल चुका है। अभी हम इसकी जिप वाली साइड से, देखिए इसको ऐसे खोल के ऐसे उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे, ये उल्टी तरफ हम इसको सिल रहे थे। देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है और ये हमारा पाउच बनके देखिए तैयार है, और ये इसकी जिप ऐसे बंद होती है, आप इसमें अपने कॉइन्स वगैरह और देखिए कुछ पैसे ऐसे डाल के आप इसको अपने बैग में ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ये छोटा मोटा बटन वटन कुछ भी डाल के आप इसमें ऐसे रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।